अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पांव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन, बाकी के दिन क्या? वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा ले कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। पांचवे दिन का नियम लो, मैं पांचवे दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं पांचवे दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। सातवें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। आठवें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। नवे दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा 1 दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा पर दुनिया के प्राण खाऊंगा, 9 दिन मैं 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन अरे त्याग। दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा, व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर,
और दसवें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल नौ दिन, केवल नौ दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, गुरु जी ने जो नवरात्रि के नौ नियम बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। हमें अवश्य अपनी जिंदगी में ये नियम धारण करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी गुरु जी ने जो नियम बताए हैं उनको अवश्य धारण करेंगे। अब मैं आगे बात करूँगा कि आपको नवरात्रि में कौन सा उपाय करना चाहिए। जो सबसे उत्तम उपाय है, वही उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का जो उपाय है वो आप नवरात्रि के नौ दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपके घर में किसी को डर लगता है, भय होता है, या रात में डरावने सपने आते हैं, या घर में किसी भी प्रकार की रोग की समस्या है, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। बहुत चमत्कारी उपाय है। माता रानी ये उपाय करने से अत्यंत प्रसन्न होती है। उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको एक कलश के अंदर जल भरना है। जल भरकर शाम के समय अपने घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप अपने बेडरूम में रख दीजिए या आपके घर में जो पूजा घर है उस पूजा घर में आप एक कलश में जल भरकर रख दीजिए। सुबह उठकर स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके, उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्री का पत्ता डालना है और एक बेलपत्री का पत्ता डालकर वही जल से भरा हुआ कलश लेकर आपको नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। साथ में माता रानी को याद करना है, अपने घर की जो समस्याएं हैं वो माता रानी को बता देना है। यह छोटा सा उपाय है पर बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यह उपाय करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपाय पूरा समझ आया होगा। अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपके कमेंट का जवाब देने की। इसके अलावा आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने से आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।